राजेश चव्हाण, महाविकास आघाड़ी के आपके घटक दल आपसे नाराज हो गए, पवार साहब करना क्या चाह रहे हैं? आपने म्यूट किया है शायद, महेश आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए, अब आ रही है। हाँ बोलिए, आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए। अच्छा मानक जी, इस पर मैं जरूर कमेंट करूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भी मेरी कमेंट देनी होगी। वो है कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर बहुत चर्चा हुई अभी, मैं एक मिनट में वो खत्म करूंगा। देखिए, जिस इशू पर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो इशू है मणिपुर हिंसा, और 3 महीने से वो हिंसा को कंट्रोल करने में केंद्र सरकार की विफलता। तो इस पर हम आज जो वोट करेंगे, कल वोट करेंगे, वो इसके खिलाफ करेंगे और एनडीए उसके समर्थन में वोट करेगी। भले ही उनके नंबर के जोर पे वो संसद में जीतेगी, लेकिन जनता के दिल से उतर जाएगी, जनता के मन से हारेगी, क्योंकि उनको पता चलेगा कि केंद्र सरकार किसका समर्थन कर रही है। और हम यही चाहते हैं, और ये चक्रव्यूह में एनडीए और बीजेपी फंस गई है, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, अभी जो आनंद दुबे जी कह रहे थे शरद पवार जी का पार्टिसिपेशन आज के फंक्शन में, उस पर मैं बताना चाहूंगा कुछ। पहली बात तो ये कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम में इसके ये पुरस्कार पहले और भी प्रधानमंत्रियों को दिया गया है, जैसे कि इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, और इसके अलावा ये खुद शरद पवार जी को भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पहली बात। अभी दूसरी, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, दुबे जी बैठे हैं। ये कार्यक्रम का आयोजन जिस ट्रस्ट ने किया था, वो ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रोहित तिलक खुद कांग्रेस के पदाधिकारी है। सही कह रहे हैं आप। हाँ। दूसरी बात, हाँ जी मानक जी, और दूसरी बात, आज शरद पवार जी के बगल में कौन बैठा था? आदरणीय सुशील कुमार जी शिंदे बैठे थे। हाँ। जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है। तो ये सब यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये पहले पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और तीसरी बात मेरी ये है, आनंद दुबे जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि आज अगर ये शरद पवार जी उधर क्यों गए, ये सवाल उठाने से बजाय अगर वो ये सवाल उठाते कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जब मालूम था कि ये कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शरद पवार जी रहने वाले हैं, जिनके ऊपर उन्होंने 40 दिन पहले इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप किए थे, फिर भी उनके साथ मंच साझा करने के लिए वो वहां पर पधारे, तो ये अगर सवाल क्यों पधारे? अगर भाई मोदी जी को तो पुरस्कार मिल रहा था, मोदी जी को तो पुरस्कार मिल रहा था, वो तो जाएंगे। तो सुनिए ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि तो ये इनको भी तो अतिथि, मुख्य अतिथि बनाया गया था, तो वो भी जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इसका राजनीतिकरण करना हो तो फिर बहुत सारे सवाल हो नहीं, नहीं देखिए कोई एक घटना नहीं है, दोनों तरफा होनी चाहिए। महेश एक घटना नहीं है ना, बार बार शरद पवार इंडिया गठबंधन या फिर महाविकास आघाड़ी या फिर कांग्रेस और शिवसेना उनकी नीतियों के खिलाफ जाते हैं। क्यों भाई बताइए, अदाणी से मिले जब अदाणी की कंट्रोवर्सी पीक पे थी, उसके बाद मोदी जी की तारीफ करना कई मौकों पर, और भी कई ऐसे मसले हैं। सुनिए, मैं अभी बताना चाहूंगा, इंडिया के नीतियों के खिलाफ शरद पवार जी, आदरणीय शरद पवार जी कभी नहीं गए और कभी नहीं जाएंगे। यह नीतियां नहीं है, इंडिया एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर एक साथ आने वाली है। इंडिया, उनको आपको पता है बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपने बताया उतना टाइम नहीं है, आपको पता है इंडिया कौन से बेसिस पर फॉर्म हुई है। मतलब एनडीए में शरद पवार नहीं जा रहे ना, पवार साहब एनडीए में बिल्कुल नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जा रहे, वो इंडिया में है। अभी जैसे कि अभी आनंद दुबे जी ने कहा 5 तारीख को जो इंडिया की मीटिंग है उसकी वो लीडरशिप वो कर रहे, और उसके बाद जो मुंबई में मीटिंग होने वाली है, 3rd मीटिंग, पहले की जो बिहार में हुई, दूसरी बेंगलुरु में हुई, तीसरी मुंबई में हुई, उसका भी आयोजन करने में लेकिन संदेश क्या जा रहा है? आनंद दुबे बड़े नाराज है, बोलिए आनंद दुबे क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं महेश भाई, आप मेरे भाई हो, देखिए प्रधानमंत्री साहब से हम उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि देश जानता है जो वो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। लेकिन हम आदरणीय शरद पवार साहब से उम्मीद कर सकते हैं, भले ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहा हो, भले इसमें कांग्रेस के रोहित तिलक और सुशील कुमार शिंदे मौजूद रहे हों, लेकिन शरद पवार साहब का कद सबसे बड़ा है। वो महागठबंधन के एक महानायक है, वो एक पुरोधा है, वो पितामह भीष्म राजनीति के। यदि वो आज के कार्यक्रम में नहीं जाते उनका कद विशेष रूप से बढ़ता, उनके सम्मान में प्रगति होती। महेश सवाल जवाब दे रहे हैं, बोलिए महेश, उसके बाद रोहन गुप्ता के पास जाऊंगा। उनकी पार्टी तोड़ी गई, पीठ में छुरा भोंका गया। दुबे जी,
ये अच्छा हो गया, अभी आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कहा, मैं वही कह रहा था, सिर्फ शरद पवार जी के बारे में कहने से अच्छा है कि हमने कौन से सवाल पूछने चाहिए, किससे सवाल पूछने चाहिए, इस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए। अभी आपकी बात का जवाब देता हूं, आज का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम एनडीए या बीजेपी ने नहीं ऑर्गेनाइज किया था, वो एक ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज किया था जो कि गैर राजनीतिक ट्रस्ट है, और वो कार्यक्रम का स्वरूप भी गैर राजनीतिक था, इसमें राजनीति न हो तो अच्छा है। मैं आपको आश्वासित करता हूं कि हम लोग इंडिया के साथ है और रहेंगे, और अगली मीटिंग में जैसे कि आपने कहा हम वहां पर उपस्थित रोहन गुप्ता को लाइए। रोहन गुप्ता बताइए, कांग्रेस के नेता हैं वो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे वहां पहुंच जाते हैं, शरद पवार वहां पहुंच जाते हैं, मोदी जी का सम्मान हो रहा है, क्या संदेश जा रहा है महाराष्ट्र में? रोहन देखिए एक चीज आप समझिए, जब हम लोग पार्टी लेवल की हम बात करते हैं, पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है और इंडिया मोदी सरकार की सारी नीतियों के खिलाफ लड़ रही है और मिलकर आगे लड़ेगी। व्यक्तिगत नेता वहां पे क्यों होगा ये सवाल आपको उनको पूछना पड़ेगा। हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे हम बैठे हूं, जब शरद पवार जी एक दल के गुट के नेता हैं जिनके दल को अभी तोड़ा गया है रिसेंटली, जिनके ऊपर आक्षेप किए गए हैं, तब उनका वहां पे जाना और किसी दल के एक लीडर का इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाना, दोनों में बहुत फर्क होता है मानक जी। और मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, जैसे महेश जी ने आश्वासित किया है आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, पर मुद्दा वही है कि जब हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। आप बड़ी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं और आज भी ईमानदारी से कह रहे हैं, इसका मतलब दूध का दूध पानी का पानी, मतलब आपको भी इंतजार है ये देखने का कि शरद पवार आगे क्या करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, हमको विश्वास है, हमको पूरा विश्वास है कि शरद पवार जी जो है वो इंडिया के साथ ही है। आज उनका जाना उस पर मैं टिप्पणी, इसलिए मैंने उसका रीजन कह दिया आपको, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे किसी जाना मैं नहीं कहूंगा, पर आने वाले दिनों में दूध का दूध पानी का भाजपा के लिए हो जाएगा कि एनडीए साथ में खड़ा हुआ है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव ये क्या गेम चल रहा है, क्योंकि आप भी महाराष्ट्र से ही हैं। इंडिया इंडिया ब्रिजमोहन श्रीवास्तव क्या हो रहा है ये? मानक जी देखिए, आदरणीय शरद पवार जी राजनेता होने के साथ ही साथ कई सार्वजनिक और सामाजिक संस्थाओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और उनका जो सार्वजनिक जीवन में उनकी बहुत इस प्रकार से कार्यक्रम होते हैं जो राजनीति से परे होते हैं। वहां उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, वहीं पर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को भी आमंत्रित किया गया था। तो ये तो उस जिस ट्रस्ट ने उन लोगों को वहां आमंत्रित किया है उसके आमंत्रण पर लोग पहुंचे हैं, तो मैं सोचता हूं इस पे बिल्कुल ठीक बात है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक कसौटी पे देखना शायद, मतलब आप ये मान रहे हैं शरद पवार आपके साथ एनडीए में नहीं आने वाले हैं, आप मान रहे हैं? देखिए मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकता, फंस गए आज ब्रिजमोहन श्रीवास्तव फंस गए, और मैं सोचता हूं कि नहीं मानक जी बात ये ना कि ये फैसला तो आदरणीय शरद पवार साहब को ही लेना है। हम लोग तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कोई विघटन नहीं हुआ, स्प्लिट नहीं हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यथावत है। इस पर कुछ लोग जो असहमत है उनको मनाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हम लोग आदरणीय शरद पवार जी को भी मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज देश इतनी अच्छी जरूरी है, हम सब लोग कुछ दिन पहले तक तो आप कह रहे थे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें, आ जाएंगे पवार साहब भी, आज कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ हमारी कोशिश जारी है, ये तो मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था सारंगी, शरद पवार के साथ क्या गेम चल रहा है बीजेपी का, कह रहे हैं और आज भी हम अपनी बात कह रहे हैं। देखिए INDIA के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है, और जहां तक आज के इवेंट का सवाल है, मैं कह दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं, उनका कद इतना ऊंचा है कि सब लोग उनको सम्मानित करना चाहते हैं, तो आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मैं कह दूं जहां तक ये INDIA का सवाल है, ये UPA का सवाल है, इनका तो कोई विजन ही नहीं है। और मुझे ये बता दें कि जनता के साथ किस मॉडल को, प्रभावी मॉडल को लेकर ये संवाद करेंगे इन्हें ज्ञात है क्या? इनकी सीट शेयरिंग कैसे होगी? सबसे बड़ा प्रश्न तो इनके सीट शेयरिंग मेथोडोलॉजी पर होगा। आप सोचिए प्रियंका का इनका नेता कौन है और इनकी रणनीति क्या है? तो मुझे लगता है प्रियंका, मुझे लगता है कि जहां तक इनके अस्तित्व का सवाल है, आपको भी, जैसा कि मैंने आपको कहा, भी कॉन्फिडेंस है अभी भी शरद पवार पर प्रियंका, या आपको लगता है कि पवार साहब पता नहीं क्या कर जाएं, किसी को नहीं पता?
मानक जी, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, इंडिया यूनाइटेड है, इंडिया डिफीट करेगा इन हेट्रेड और डिवाइसिव फोर्सेस को। इंडिया शांति चाहता है, इंडिया चाहता है कि लोगों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा मिले। इंडिया ऊब चुका है इनकी राजनीति से, इनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स से, इनकी हेट्रेड से। हमें पूरा विश्वास है इंडिया पराजित करेगा इस बार एनडीए को। ओके, रोहन गुप्ता। रोहन, हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? रोहन बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अपराजिता जी अभी कह रही है कि इंडिया टूटेगा, इंडिया को कोई नहीं तोड़ सकता है। पहली बैठक में जितने दल से उससे ज्यादा आप जितना तोड़ने का ट्राई करेंगे, इंडिया उतना ही जुड़ेगा। वो इंडिया तो बोल ही नहीं रही है, और जैसे आपको वो कह रही है आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट, वो कितने भी डॉट कॉमा, जितने भी डॉट कॉमा एड करे, इंडिया उनका फुल स्टॉप तय करके रहेगा। जितने भी डॉट कॉमा करते रहे कुछ नहीं होगा। अब फुल स्टॉप होने वाला इनका, इनके अहंकार का फुल स्टॉप होगा, इनकी नफरत का फुल स्टॉप होगा, इनकी जो जिस प्रकार से लोग बर्ताव कर रहे हैं देश के साथ उसका फुल स्टॉप। महेश चव्हाण कुछ कह रहे थे, महेश जल्दी से। हाँ मानक जी, देखिए स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये भी सब क्या बीजेपी और एनडीए भी इसको INDIA बोलेगी कि सिर्फ हमारे गठबंधन को INDIA बोलेगी? और क्यों फिर वो बोलिए ब्रिजमोहन जी, बताइए, जवाब दीजिए, बताइए। कोई कुछ नहीं बोल रहा। जो इन्होंने देश के सामने रखा है, हम लोग उसी बात को कह रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मानक जी, पूरी चर्चा हुई है बेंगलोर में, बेंगलोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत जो बात कही गई है, मैं तो सिर्फ उसी नाम को ले रहा हूँ, INDIA कहा गया। अब बाकी के सारे लोगों ने जोड़कर उसको इंडिया कर दिया। मानक जी, मैं धन्यवाद देता हूं ब्रिजमोहन जी का, हमारे बड़े भाई हैं, ये स्पष्ट कह रहे हैं कि जो ये लोग कहते हैं हम वही सुनते हैं। ये कितना हमारा सम्मान करते हैं, कितनी हमारी बात मानते हैं, इसका ये अर्थ है कि हमारे साथ आ जाएंगे। थोड़े दिन के लिए वहां हालचाल लेने गए हैं, ये जल्दी ही इंडिया के सदस्य होंगे, ऐसी उम्मीद हमें है। अपराजिता जी, लास्ट क्वेश्चन, विपक्षी गठबंधन का नाम क्या है अपराजिता जी?